बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग चेस। इस कहानी की शुरुआत में अकीरा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो चेस का बहुत बड़ा चैंपियन है। उसका दिमाग इतना तेज है कि वो एक सेकंड में 3 अलग अलग चालों को सोच सकता है। और आज वो जिससे चेस खेल रहा है वो कोई इंसान नहीं है बल्कि सुपर ब्लू कंप्यूटर है जो मात्र 1 सेकंड में 200 मिलियन अलग अलग चालों को सोच सकता है। अकीरा अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई मैच नहीं हारा, वो एक वर्ल्ड चैंपियन है। और अब जब वो सुपर ब्लू कंप्यूटर से मैच यानी कि चेस खेल रहा होता है तो सबकी नजरें उसी के ऊपर होती है। और अकीरा जो आज तक किसी इंसान से नहीं हारा वो सुपर ब्लू कंप्यूटर से हार जाता है, जिसके बाद सभी ऑडियंस उसका मजाक उड़ाती है। अकीरा की ये पहली हार है, इससे अकीरा पूरी तरह से टूट जाता है और वो चेस बोर्ड को तोड़ देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता और 3 साल बीत जाते हैं। अपनी आखिरी हार के बाद अकीरा ने कभी कोई गेम नहीं खेला, उसने चेस हमेशा के लिए छोड़ दिया और ना ही कभी उसे किसी ने देखा। हमें दिखाया जाता है कि अकीरा ने अपना सारा पैसा, अपना सब कुछ शराब और गैम्बलिंग में खत्म कर दिया। वो सड़कों पर पड़ा रहता है और एक दिन उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से 2 आदमी निकलते हैं और जबरदस्ती अकीरा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अकीरा को एक आलीशान घर में ले जाया जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। वो अकीरा से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, भले तुमने अपने आप को छुपा लिया, अपनी पहचान बदल ली, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं कि तुम कौन हो। अकीरा पूछता है कि मैं कौन हूं। दरअसल अकीरा ने अपनी पहचान, अपना नाम सब कुछ बदल लिया होता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बस एक चेस की गेम खेलना चाहता हूं, और वो चेस उसे दिखाता है जिसे देखकर अकीरा की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। दरअसल आखिरी बार जब वो गेम हारा था तो उसके बाद उसे चेस से नफरत हो गई, वो चेस की गेम को देख भी नहीं सकता। इसीलिए अकीरा उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं यहां से जाना चाहता हूं। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जो आखिरी गेम तुमने कंप्यूटर के साथ खेली थी, मैंने उसमें अपना सारा पैसा तुम्हारी जीत के ऊपर लगाया था, लेकिन तुम उस गेम को हार गए जिस वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम उसकी भरपाई नहीं कर सकते, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक गेम खेलो। पर अकीरा उसकी बात पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी अकीरा के किंग को उठाता और कहता है कि ये तुम्हारी हार है, तुम बिना खेले हार गए। अकीरा कहता है कि नहीं, मैं खेलूंगा, लेकिन वो चेस की तरफ नहीं देखता बल्कि उसे अपनी चाल बताता है जिससे वो आदमी उसके प्लेयर्स को मूव करता है। अकीरा का माइंड चेस में इतना शार्प होता है कि वो बिना देखे भी चेस खेल सकता है। बूढ़ा आदमी जो अकीरा की कमांड पर उसके प्लेयर्स को मूव कर रहा होता है उसने ईयर पीस पहने होते हैं। अकीरा विंडो पर खड़ा होता है और जब वो नीचे सड़क पर देखता है तो वहां पर चेस बोर्ड बना होता है जिसके ऊपर असली के इंसान खड़े होते हैं और उन सबकी पोजिशन वही होती है जो चेस बोर्ड पर अकीरा और उस बूढ़े आदमी की गेम की है। अकीरा को कुछ समझ नहीं आता और अब बूढ़ा आदमी अपनी अगली चाल में अकीरा के पॉन को यानी कि प्यादे को मार देता है। और जैसे ही अकीरा का पॉन मरता है अकीरा नीचे देखता है कि नीचे आदमी जो होते हैं जो चेस की पोजीशन में खड़े होते हैं उनमें से एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया। अकीरा को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो पूछता है क्या ये किसी तरह का मजाक है। वो कहता है कि तुम्हें किसी तरह का कोई भी दुख नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ एक सिपाही था। अकीरा भागता हुआ नीचे जाता है जहां पर वो देखता है कि सबके सब आदमी ज्यों के त्यों खड़े होते हैं। वो उस आदमी के पास जाता है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है और उस आदमी के चेहरे पर सिकन तक नहीं होती। वो अकीरा से सिर्फ यही पूछता है व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव, यानी कि तुम्हारी अगली चाल क्या है। इसके बाद उसकी जान चली जाती है और तभी सारे आदमी जो चेस की पीसेस यानी कि चेस की गोटियों की पोजीशन में खड़े होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। और अकीरा को एक औरत देख लेती है जिसे लगता है कि अकीरा ने उस आदमी को मारा है। अकीरा यहां से भागता हुआ अपने डॉक्टर के पास जाता है जो आज से 3 साल पहले अकीरा का दिमाग का इलाज कर रहा था, क्योंकि 3 साल पहले जब वो गेम हार गया था तो उसके बाद अकीरा बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था। उसे हमेशा चेस के सपने आते थे जिसमें वो देखता था कि चेस की जो गोटियां हैं उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही हैं। और धीरे धीरे उसे असल जिंदगी में भी ऐसे ही लगने लगा। वो हमेशा अपनी जिंदगी को चेस से रिलेट करता था, इसीलिए जब वो चेस की गेम हार गया तो वो अपनी पत्नी को जिसे वो क्वीन मानता था उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, क्योंकि अकीरा को उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि वो अपनी क्वीन के लायक नहीं है। डॉक्टर उसे पूछता है कि तुम 3 सालों तक कहां थे। अकीरा उसे बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ।
साथ ही वो उस आदमी के बारे में बताता है जिसके साथ वो चेस खेल रहा था, कैसे एक आदमी की असल जिंदगी में मौत हो गई। पर डॉक्टर को लगता है कि ये अकीरा का सिर्फ भ्रम था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इससे पहले कि अकीरा डॉक्टर को और कुछ समझाता, तभी उसके प्रिंटर से एक प्रिंट निकलता है जो कि चेस की शेप में होता है, जिसमें लिखा होता है कि व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव, यानी कि तुम्हारी अगली चाल क्या है। अकीरा समझ जाता है कि उस बूढ़े आदमी के साथ जो उसने गेम शुरू की थी वो अब भी चल रही है। अकीरा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पॉन यानी कि प्यादा है वो E3 पोजीशन में चला जाए। अभी प्रिंटर से एक और प्रिंट निकलता है जो ये बताता है कि E3 पोजीशन में जाने के बाद अब जो बूढ़े आदमी की क्वीन है वो अकीरा के नाइट को यानी कि घोड़े को मार रही है। और होता भी ऐसा ही है। अगले पल यहाँ पर अकीरा का जो डॉक्टर होता है वो मारा जाता है। अकीरा ये देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है। तभी वो डॉक्टर की एक फोटो देखता है जिसमें डॉक्टर घोड़े के ऊपर बैठा होता है, जिससे वो समझ जाता है कि अकीरा का जो गेम चल रहा है उस गेम में उसका डॉक्टर ही उसका नाइट यानी कि घोड़ा था। अकीरा देखता है कि जिस ग्लास से डॉक्टर कॉफी पी रहा था वो पूरी तरह से चेस बोर्ड की तरह होता है, इसका मतलब उसमें कुछ मिलाया गया था जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर की असिस्टेंट भी बाहर होती है जो डॉक्टर की मृत्यु के बाद अंदर आती है और अकीरा से पूछती है व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव। अकीरा डरकर वहां से भाग जाता है, पर तभी उसके सामने एक बच्चा आता है जिसके पास उसी की चेस गेम की एक फोटो होती है, यानी कि उसके चेस गेम में जो भी उसके सिपाहियों की उसके प्लेयर्स की पोजीशन है वो एग्जैक्ट उस चित्र पर बनी होती है। और वो बच्चा अकीरा से पूछता है कि व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव। अकीरा कहता है मैं चाहता हूं कि किंग E2 में चला जाए। वो बच्चा कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा किंग मारा जाएगा, यानी कि अकीरा खुद मारा जाएगा। अकीरा वहां से भाग जाता है और अब उसे उन सब लोगों के भ्रम हो रहे होते हैं जो अब मारे जा चुके हैं। साथ ही उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे चेस के जितने भी प्लेयर्स हैं उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अकीरा भागता हुआ पार्किंग में जाता है जहां पर वो देखता है कि गाड़ियों की पोजीशन ठीक उसी तरह से होती है जिस तरह से चेस के गेम में उसके पीसीस की यानी कि उसके प्लेयर्स की और बूढ़े के प्लेयर्स की होती है। अकीरा वहां से एक गाड़ी में बैठता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी सीधी नहीं बल्कि तिरछी चलना शुरू हो जाती है क्योंकि ये चेस की गेम के हिसाब से अकीरा का बिशप यानी कि ऊंट है। अकीरा उस गाड़ी को आगे छोड़ देता और दूसरी गाड़ी में बैठता है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि अब खेलने की बारी उसकी नहीं बल्कि बूढ़े आदमी की है। और तभी अकीरा की तरफ एक दूसरी गाड़ी बढ़ती है जो बूढ़े आदमी का रूह यानी कि हाथी होता है, जो अकीरा के रूह को यानी कि हाथी को मार देता है। अकीरा वहां से सीधा अपने पुराने घर जाता है जहां पर लिखा होता है फॉर सेल, यानी कि अकीरा का घर अब बिकने वाला है। दरअसल हाथी को चेस की गेम में कैसल भी कहा जाता है और ये एक तरह से अकीरा का घर यानी कि उसका कैसल है, इसीलिए अब ये उससे छिन गया। अकीरा को अब सब कुछ समझ में आ चुका है और समझ जाता है कि उसकी पत्नी की भी जान खतरे में है क्योंकि उसकी पत्नी ही उसकी क्वीन है। इसीलिए वो बूढ़े आदमी के पास एक बार फिर से जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी कहाँ है। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम अपने राजा को हटाकर गेम छोड़ सकते हो, लेकिन अकीरा को अब वो दिन याद आता है जब वो कंप्यूटर से हार गया था और सबने उसका मजाक उड़ाया था। इसीलिए अकीरा तय करता है कि वो बूढ़े आदमी के साथ चेस खेलेगा। वो उसके सामने बैठ जाता है और अब अकीरा और बूढ़ा आदमी चेस खेलना शुरू करते हैं। एक एक करके लगभग एक दूसरे के सभी पीसेस को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। और अब अकीरा की गेम ज्यादा अच्छी कंडीशन में है। वो अपनी अगली दो चालों में बूढ़े आदमी के किंग को यानी कि बूढ़े आदमी को चेक और मेट कर देगा, यानी कि बूढ़ा आदमी इस गेम को हार जाएगा। पर तभी यहाँ पर दो आदमी आते हैं जो अकीरा को पकड़ कर ले जाते हैं और अब बूढ़ा आदमी और अकीरा एक स्टेडियम में होते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी चेस होती है और यहाँ पर जो इनके पीसेस होते हैं वो असली इंसान है। बूढ़ा आदमी अकीरा को बताता है कि बहुत सालों पहले राजा महाराजा अपने असली कैदियों के साथ इसी तरह से चेस खेला करते थे जिसमें कोई भी इमोशंस नहीं होते थे। अब अकीरा की बारी होती है, वो अपने अगले दो मूव्स में राजा को चेक और मेट कर देगा जिससे बूढ़ा आदमी हार जाएगा। यहाँ पर बूढ़ा आदमी और अकीरा अपनी अपनी पोजीशन में यानी कि राजा की पोजीशन में खड़े होते हैं। अकीरा को अपनी पहली चाल में अपने नाइट को यानी कि अपने घोड़े को मूव करना होगा और दूसरी चाल में वो चेक और मेट कर देगा। उसे बूढ़ा आदमी बताता है कि अगर तुमने अपने नाइट को मूव किया तो मेरा जो रूक यानी कि हाथी है वो तुम्हारी रानी को यानी कि उसकी क्वीन को मार देगा। और तभी क्वीन का नकाब हटाया जाता है। अकीरा देखता है कि वहां पर उसकी पत्नी है जिसे बांधा गया है और अगर अब उसने अपने नाइट को हटाया तो उसकी पत्नी यानी कि क्वीन मारी जाएगी। अकीरा अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ऊपर से एक आदमी गोली चलाता है यानी कि वो अपने बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि चेस की
गेम में इमोशंस की कोई भी कद्र नहीं होती, उसकी कोई जगह नहीं है। तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि तुम्हें इस गेम को जीतना चाहिए। पर अकीरा कहता है कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और जानबूझकर वो अपने नाइट को मूव ना करके खुद अपने आप को मूव करके एक दूसरे पीस के सामने आ जाता है, तभी वो अपनी पत्नी को बचा सकता है। और अब इससे उसकी हार पूरी तरह से निश्चित हो चुकी है। वो पीस उसके सामने आकर उसे मार देता है। अकीरा वहीं पर जमीन पर गिर जाता है, यानी कि उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी हार को स्वीकार कर लिया। और उसकी हार से बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और ताली बजाता है। अकीरा की पत्नी को दिखाया जाता है जो उसके लिए ताली बजा रही होती है। और यहाँ पर और भी कई सारे लोग आते हैं, जिसमें वो डॉक्टर भी होता है जिसकी मृत्यु हो गई थी। ये जितने भी लोग होते हैं सब के सब वो लोग होते हैं जो अकीरा के सामने मारे गए थे। ये सब के सब अकीरा के लिए ताली बजा रहे होते हैं। अकीरा देखता है कि वो भी पूरी तरह से ठीक है। जिस चाकू से उसके ऊपर हमला किया गया था वो स्प्रिंग वाला चाकू था। दरअसल ये पूरा का पूरा अकीरा के ट्रीटमेंट करने का एक हिस्सा था, जिसे शॉक थेरेपी कहा जाता है, ताकि अकीरा को ठीक किया जा सके। अकीरा के सामने जो बूढ़ा आदमी था जो अकीरा के साथ गेम खेल रहा था, वो उस सुपर कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर ब्लू का आविष्कारक था, जिससे अकीरा अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी गेम हारा था, जिसके बाद उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया। वो डिप्रेशन में आ गया और इसीलिए वो अकीरा की मदद करना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से एक असल इंसान अपनी गेम से हमेशा के लिए दूर हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा चैंपियन था। बूढ़ा आदमी अकीरा को बताता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो, लेकिन असल बात ये थी कि तुम मेरे साथ नहीं बल्कि आज भी उसी कंप्यूटर के साथ गेम खेल रहे थे। मैं ईयरपीस की मदद से उसकी कमांड के हिसाब से चाल चलता था, और जब तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस किया यानी कि अपना बलिदान दिया अपनी पत्नी को बचाने के लिए, तो इस बात को सुपर कंप्यूटर समझ नहीं पाया, जिस वजह से उसमें खराबी आ गई और इस गेम को तुम जीत गए। वैसे भी अकीरा इस गेम को जीतने ही वाला था, यानी कि कंप्यूटर के खिलाफ फाइनली अकीरा ने गेम जीत लिया। अकीरा अब पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है। उसकी मानसिक हालत जो खराब हो चुकी थी अब वो पूरी तरह से नॉर्मल है। वो अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है और सब अकीरा की जीत पर उसके लिए तालियां बजाते हैं। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि खेल को हमेशा खेल की तरह लेना चाहिए, चाहे उसमें कोई जीते या हारे, क्योंकि जिंदगी और खेल दोनों बहुत अलग हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।